हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं फेयर ओक मॉल, जो हार्डली 6.5 माइल्स है जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से। तो बेसिकली ये जो मॉल है ये फेयरफैक्स काउंटी में ही है। फेयरफैक्स काउंटी काउंटी मीन्स लाइक आप बोल सकते हैं इस काइंड ऑफ एक बड़ी सिटी या एक डिस्ट्रिक्ट, राइट, जो रिप्रेजेंट करती है इस पर्टिकुलर एरिया को। तो यहाँ पर काउंटी है, इस काउंटी में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ है, जैसे लाइक रेस्टन हो गया, आपका अर्डन हो गया, वियना, स्टर्लिंग। सो हम लोग जहाँ रहते हैं वो रेस्टन है, वेस्टर्न वर्जीनिया, राइट। तो ये जो मॉल है एकदम नियरेस्ट है, जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट बोले तो लाइक इसका जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 6 माइल है, 6 साढ़े 6 माइल है। तो 6 साढ़े 6 माइल मीन्स लाइक ऑलमोस्ट 10 से 11 किलोमीटर। सो दैट वन इज़ द नियरेस्ट वन। तो अब हम ऑलमोस्ट वहाँ बस पहुँचने ही वाले हैं। क्या आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो है जैसे इंडिया में स्ट्रीट शॉपिंग्स होती है ना, स्ट्रीट पे दुकानें खुल जाती है, काइंड ऑफ दुकान थी ये। देख सकते हैं पार्किंग है, पार्किंग यहाँ की बहुत बड़ी है, लगभग यहाँ हर जगह पार्किंग होती है, कि इसका मेन रीज़न ये है कि सभी लोग के पास में लगभग कार होती है। तो आई थिंक एक टाइम में करीब 500-600 कारें जो है यहाँ पर पार्क हो सकती है। ये देखिए, ये मॉल में हम अंदर आ चुके हैं। तो ये मॉल है, ये 2 फ्लोर का ही है, देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर है नीचे वाला, राइट, और उसमें कुछ शॉप्स हैं, देन बच्चों खेलने के लिए बना हुआ है, और ये कि ऊपर वाला फ्लोर है। तो हम मेनली जो है नीचे वाला ही फ्लोर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ऊपर में मैक्सिमम शॉप्स जो है वो अभी ड्यू टू कोरोना जो है वो काफ़ी सारी शॉप्स जो है वो शट डाउन हो चुकी है, बंद हो चुकी है, राइट। तो ये मेरा बेटा वियान है, इसे घूमना बहुत पसंद है। और देखिए लोग जो है शॉपिंग्स का लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ पर अभी जो है ना ये शॉपिंग का ही सीज़न है, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स होते हैं। और ये देख सकते हैं जगह जगह मेसी जो है यहाँ का बहुत बड़ा मॉल है, जो कलेक्शंस होता है, फुट लॉकर जहाँ पर हर टाइप के जूते मिलते हैं, बच्चों से लेके बड़े सबके। ये बीच बीच में जो है मॉल में जैसे जनरली जो शॉप्स होती है, राइट, रिपेयरिंग शॉप्स एंड अदर थिंग्स, दैट्स इट, राइट। एंड ये देखिए बाथ एंड बॉडी वर्क्स, द सेम, आई थिंक इट्स दे आर लाइक इंटरनेशनल ब्रांड्स नाउ, सो एवरीवेयर इट्स अवेलेबल। ये जो है ये बच्चों के खेलने का है, तो वियान को ये अभी कारें जो है बहुत पसंद है, तो वो चाहता है कि ये खेले। अभी देखते हैं, उसको मनाना है, क्योंकि अभी जो है शॉपिंग पेंडिंग है, शॉपिंग के बाद में फिर हम सोचेंगे कि इसे क्या करना है। तो जैसे जैसे उसको मनाते हैं, और यस देखिए ये सेटिंग अरेंजमेंट्स हैं, राइट, अभी वो मान गया है, अब बाद में हम जैसे ही शॉपिंग करके लौटेंगे तो फिर उसे कार भी खिलाएंगे। ये जो चेयर्स आप देख रहे हैं, राइट, ये लेदर की जो चेयर्स आपको दिख रही है, ये एक प्रकार से मसाजर है। इसकी जो कॉस्ट है, मतलब ये $5 आपको इसके पे करना होता है, और आप 20 मिनट के लिए चालू होता है, राइट। तो 20 मिनट आप आराम से जो है बॉडी रिलैक्स कर सकते हैं अपनी, $5 इसकी कॉस्ट है। ये देखिए ये ऊपर भी पूरा खाली है, और ये कोरोना की वजह से जो है ना, जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो दुनिया भर की चीज़ें जो हर जगह चल रही है, राइट, उसकी वजह से सब कुछ खाली है, और लोग जो है वो काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। शॉपिंग्स करने के लिए भी काफ़ी लोग, कम ही लोग आसपास मतलब बाहर निकल रहे हैं। हालांकि हॉलीडे सीजन सब चालू होने वाला है कुछ दिनों में, तो इसलिए सेल जो है वो चालू हो चुकी है। अभी धीरे धीरे सेल का जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा, और ज़्यादा ऑफर्स आएंगे तो तब शायद लोग ज़्यादा निकलें। देखिए ये वॉच ग्रैंड ज्वेलर्स, यहाँ पर जो ज्वेलरीज होती है ना, वॉच को भी ज्वेलरीज में ही काउंट किया जाता है। H&M हमारा फेवरेट। चलिए हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अब वियान को जो है इसमें खेलना था, तो अब इसे हम कार्स में खिलाते हैं। आपको पहले ही बताया था मैंने कि ये जो है आपका पे है, पे एंड प्ले है, तो आपको यहाँ पर या तो कॉइन्स डालने होते हैं, या तो फिर नोट डालने होते हैं, या फिर कार्ड से आप स्वाइप कर सकते हो। तो मैं कॉइन्स यूज़ कर रहा हूँ, राइट। देखिए अब ये $1
में ये 40 सेकंड की लिमिट चलता है, तो अभी 40 सेकंड इसको प्ले कर रहा है। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन है, अभी दिखेगी आपको वो स्क्रीन पे, मतलब आप जैसे कार जो है ना रन कर रहे हो वैसा फील होगा। देन उसके हिसाब से आपको मूव भी करना है स्टेयरिंग को। ये देखिए वो जो स्क्रीन दिख रही है ना, इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो कार है उसकी स्पीड और सब कुछ उसमें नज़र आता है, और ये आपको सेफ करते हुए चलना है। लाइक जो 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 भी मतलब इविल्स है या जो भी बैड बैड गाय है उसको आपको मारना, जो राइट गाय है उसको बचाना है। राइट, ये ओवर हो गया, 40 सेकंड ख़त्म हो गए। बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच।